Assalamualaikum everyone, this is Bilal from VideoWaliSarkar. Welcome to our 52nd episode of Bilal Talks, where we discuss what changes in technology and what innovations have come in the world. And I will tell you about technology and Pakistan related a lot of interesting kind of news. Now, today we have a lot of interesting news, and you will have seen that in the past 2 days, you have not seen Bilal Talks ka koi bhi episode dekhne ko nahi mila. To uske piche reason ye thi ki koi bhi aisi khas news nahi aa rahi thi jiske upar main ek mukammal video banana chahun. और यही वजह थी कि मैंने बिलाल टॉक्स के जो एपिसोड हैं उनको 2 दिन स्किप करने का फैसला किया. पहली न्यूज़ जो कि मैं देखने को मिल रही है वो ये है कि जो मेरे सोर्सेज हैं ना वो सही कह रहे थे. हवावे का जो पी स्मार्ट है इसको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है. इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको मिल जाती है 3 GB रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज. इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको मिलता है 8 MP का कैमरा, और बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको मिल रहा है 13 MP का कैमरा, जिसके साथ एक 2 MP के कैमरा को लगाया गया है ताकि आपको वो जो बोके का इफेक्ट है वो देखने को मिल सके. अब इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 3000 mAh की बैटरी को भी लगाया गया है, और इंटरेस्टिंगली इस मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है वो 26,000 रुपया है. अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी कन्फ्यूज़ कर रही है मुझे, वो ये है कि हवावे अपने ही ब्रांड के साथ कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तरफ हमें हवावे का ऑनर 7X मिलता है, ऑनर 9 Lite मिलता है जो कि तकरीबन इसी प्राइस ब्रैकेट में आ रहे हैं और तकरीबन यही स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें हवावे की तरफ से पी स्मार्ट मिलता है जो कि तकरीबन सेम स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है और सेम प्राइस में भी है. तो ये देखने में आएगा कि हवावे आखिर इतने डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स एक ही प्राइस ब्रैकेट के अंदर क्यों लॉन्च कर रहा है. वेल, बिटकॉइन के लिए जो मसले हैं वो कम होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस टाइम अगर आप बिटकॉइन की प्राइस की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से ये 3 महीने के अंदर इससे लो प्राइस पे नहीं गया था, और ये प्राइस है $6,200. अब इससे पहले आप लोग जानते हैं कि बिटकॉइन $20,000 तक भी पहुंच गया था, लेकिन इस टाइम इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन $6,000 तक पहुंच गई है, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस टाइम अपने बिटकॉइंस को बेच रहे हैं, तो उनकी जो प्राइस है वो और ज़्यादा कम होती चली जा रही है, और कोई डिसेंट्रलाइज करेंसी जो है वो इस तरह के मसलों में बहुत फंस जाती है कि उसकी प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जा रही होती हैं. अगली न्यूज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है, और ये न्यूज़ आ रही है प्रो पाकिस्तानी की तरफ से, जो कि एक न्यूज़ आउटलेट है. उनके मुताबिक कॉमसेट यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ ऐसे एड्स को लगाया गया है जो कि किसी हद तक क्रिप्टो करेंसी को माइन कर रहे हैं. अब ये काफ़ी डराने वाली बात है, क्योंकि नॉर्मली हमें इससे पहले भी काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स देखने को मिली हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के ऊपर क्रिप्टो करेंसी की सॉफ्टवेयर को रन करती है स्क्रिप्ट्स के थ्रू, और उसके बाद बैकएंड पे पैसे कमा रही होती हैं. और आपको मसला क्या आ रहा होता है कि आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, जैसे ही आप उस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं आपके प्रोसेसर के ऊपर लोड पड़ जाता है. और अब ये देखा गया है कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी इस तरह का कोई मालवेयर है. अब ये देखने में आएगा कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से लगाया गया है या फिर कोई ऐसी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है वेबसाइट को डेवलपमेंट में जिसके अंदर ये मालवेयर पहले से मौजूद था. अगली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है एंड्रॉयड गो की तरफ से, जहां पर एंड्रॉयड गो के ऊपर भी जो गूगल असिस्टेंट है उसको लॉन्च कर दिया गया है. अब इससे पहले भी हमें एंड्रॉयड गो के रिलेटेड काफ़ी ऐसे ऐप्स देखने को मिले हैं जो कि पहले मुकम्मल तौर पर एंड्रॉयड के मेन वर्जन पर थे, लेकिन उसके बाद उनको जो एंड्रॉयड गो है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया गया है. इसके अलावा एक और न्यूज़ जो कि हमारे सामने आ रही है, ये आ रही है शाओमी की तरफ से. बेसिकली इस टाइम शाओमी पाकिस्तान का जो स्टोर है mi-store.pk, उसके ऊपर तकरीबन हर एक चीज़ के ऊपर किसी ना किसी लेवल की सेल लगी हुई है. और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल है ये डिफरेंट लेवल्स पर आ रही है, लेकिन जो उनकी नॉर्मल एसेसरीज वगैरह है उनके ऊपर 10% की सेल है. मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने शाओमी की कोई डिवाइस बाय करनी थी ये वो टाइम है जिस टाइम पर आप कर सकते हैं. पिछले महीने हमें ये न्यूज़ देखने को मिली थी कि सैमसंग इस साल के आखिर पर अपना एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा गैलेक्सी एक्स, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि इस साल के अंत तक हमें गैलेक्सी एक्स देखने को नहीं मिलेगा, जबकि अगले साल का जो स्टार्ट है जहाँ पर गैलेक्सी S10 आना है उसकी जगह गैलेक्सी एक्स को लेकर आया जाएगा, और ये डायरेक्टली कम्पीट करेगा iPhone 12 के साथ. तो ये देखने में आएगा कि ये मोबाइल फ़ोन क्या फीचर्स टेबल के ऊपर लेकर आता है और ये एक्चुअल में कब आता है. एंड्रॉयड पी जो कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन होने वाला है और एंड्रॉयड ओरियो को रिप्लेस करने वाला है कुछ टाइम के अंदर, उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर आपको नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी. बेसिकली अगर अभी आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से जाकर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी पड़ती है, लेकिन अब जो एंड्रॉयड पी आने वाला है उसके अंदर कहा जा रहा है कि आपको ये जो फीचर है ये बिल्ट इन मिल जाएगा. अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फीचर के अंदर जब भी आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो हर 15 सेकेंड बाद एक बीप आ रही होगी जिसके थ्रू दोनों जो बंदे कॉल सुन रहे हैं और जो रिसीव कर रहे हैं उनको ये बात पता लग जाएगी कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज के अंदर अभी भी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो किसी हद तक इलीगल कंसिडर होती है.
अगली न्यूज हमें देखने को मिल रही है कराची से, जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची के अंदर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर को ओपन कर दिया है। बेसिकली ये जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, इसका फायदा ये देखने को मिलेगा कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर वो अपने स्टार्टअप को पिच इन कर सकते हैं और जहां से वो फंडिंग वगैरह हासिल कर सकते हैं। अब इस टॉपिक के ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाने वाला हूं कि किस तरह आप भी स्टार्टअप को लेकर आ सकते हैं और उसके बाद किस तरह आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं, तो इसके ऊपर एक वीडियो आज या कल में आपको देखने को मिल जाएगी, तो वेट कर सकते हैं आप। रिसेंटली मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टीवी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 4K जो रेजोल्यूशन के टीवीज हैं वो लॉन्च नहीं कर रहे, ज्यादातर उनका जो फोकस है वो अभी भी फुल HD के ऊपर है। खैर मेरी शायद बात सुन ली गई है। TCL जो कंपनी है जो कि आजकल पाकिस्तान में काफी पॉपुलर भी है, उनने रिसेंटली अपने LED टीवीज को लॉन्च किया है जिनका नाम है P6 और ये UHD यानी कि 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं और उसके साथ साथ ये स्मार्ट टीवीज भी हैं, तो इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का कोई ना कोई वर्जन देखने को मिल जाएगा। प्राइसेस की बात कर ली जाए तो ये स्टार्ट होते हैं 57,000 के करीब और इनकी जो एंडिंग प्राइस है वो आती है 1,40,000 तक। अब ये डिफरेंट साइजेस हैं, 43 इंच से लेकर आपको 65 इंच का जो साइज है वो इन टीवीज के अंदर देखने को मिल रहा है। YouTube Go को पाकिस्तान के अंदर और उसके अलावा 130 और कंट्रीज के अंदर ऑफिशियली सपोर्ट प्रोवाइड कर दी गई है और अगर आप लोग एक पाकिस्तानी हैं तो अब आप प्ले स्टोर के ऊपर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जहां पर मैं YouTube Go को और YouTube की जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसको जल्दी कंपेयर करूंगा, शायद आज ही अपलोड हो जाए, तो उसके बाद हमें अंदाजा हो जाएगा कि YouTube Go किस तरह हेल्पफुल है और आपको इन दोनों एप्लीकेशंस में से कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी चाहिए। अगली न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है और अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं तो आप लोगों के लिए तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये न्यूज आ रही है फेसबुक की तरफ से। अभी अगर आप लोग फेसबुक को यूज करते हैं तो आप लोग ये जानते होंगे कि फेसबुक के ऊपर जो वीडियोज हैं वो नॉर्मली 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट की चलती हैं, उससे ज्यादा कोई भी बंदा फेसबुक के ऊपर वीडियो नहीं देख रहा होता। लेकिन अब हमें ये खबर देखने को मिल रही है कि फेसबुक जल्दी अपने एल्गोरिदम को इस तरह चेंज करने वाली है कि फेसबुक के ऊपर भी जो लॉन्ग वीडियोस हैं उनको ज्यादा सपोर्ट देखने को मिले और इससे फायदा ये देखने को मिलेगा कि जितने भी ब्लॉगर्स हैं उसके अलावा जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं जिनके यूट्यूब के ऊपर चैनल है वो भी अपना कॉन्टेंट फेसबुक के ऊपर लगाएंगे और फेसबुक ये भी कह रही है कि वो जल्द ही ये जो क्रिएटर्स हैं इनको बकायदा तौर पर पे करना भी स्टार्ट कर देगी और ये जो प्रोग्राम है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लेकर आएगी ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी क्रिएटर्स हैं वो इसके प्रोग्राम से फायदा उठा सकें। हम लोग अक्सर अपने आप से सवाल पूछ रहे होते हैं कि यार ये जो मोबाइल फोन्स हैं इनके बाद आने वाली कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो कि मोबाइल फोन्स की तरह ही हमारी जिंदगियों को बिल्कुल बदल देगी। वेल मेरा हिसाब ये है कि आजकल जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं जिसका नाम है स्मार्ट ग्लासेस। रिसेंटली हमें इंटेल की तरफ से भी इसी तरह की एक स्मार्ट ग्लासेस देखने को मिली हैं और इनमें और गूगल की तरफ से लॉन्च की स्मार्ट ग्लासेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि अगर आप इंटेल की स्मार्ट ग्लासेस को देखते हैं तो ये देखने में काफ़ी हद तक एक नॉर्मल ग्लासेस की तरह लगती है और इनका फायदा ये है कि आपके शीशे के इस साइड के ऊपर आपको रेड कलर में डिफरेंट जो नोटिफिकेशन हैं वो डिस्प्ले की जाती हैं और उसके बाद आपके सर का जो जेस्चर है उसके थ्रू ये नोटिफिकेशंस या तो ओके की जा सकती हैं या इनको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंगली हमें इसके अलावा भी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनकी तरफ से स्मार्ट ग्लासेस का कोई ना कोई प्रोजेक्ट जरूर देखने को मिल रहा है, तो कहा यह जा सकता है कि आने वाला जो टाइम है उसके अंदर स्मार्ट ग्लासेस एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकती है। नोकिया 7 प्लस के रिलेटेड जो लीक्स और रूमर्स है वो आते ही जा रहे हैं और बेसिकली कहा यह जा रहा है कि नोकिया की पहली ऐसी डिवाइस होगी जिसके अंदर आपको 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगी, यानी कि इसके फ्रंट साइड के ऊपर जो किनारे हैं वो बहुत कम कर दिए जाएंगे। उसके अलावा इंटरेस्टिंगली इस मोबाइल फोन के बैक साइड के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा जहां पर एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का जबकि दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का होगा और अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ये कहा जा रहा है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी हद तक वही होगी जो कि आपको आईफोन्स के ऊपर मिलती है जहां पर एक कैमरे का लेंस जो है वो जूम इन हुआ होता है और दूसरा लेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर वाइड होता है। आज की आखिरी न्यूज जो कि हमें देखने को मिल रही है आ रही है शाओमी की तरफ से, जहां पर शाओमी इंडिया ने 14 फरवरी के लिए एक इवेंट के इनवाइट सेंड करने स्टार्ट कर दिए हैं। बेसिकली जब भी कोई प्रेस इवेंट होने वाला होता है, जब भी कोई मोबाइल फोन लॉन्च होता है, तो उससे पहले जितनी भी मीडिया की टीम्स होती हैं उनको इनविटेशन दिए जा रहे होते हैं ताकि वो उस इवेंट के ऊपर पहुंच सकें और 14 फरवरी के ऊपर शाओमी ने कोई इवेंट रखा है और काफी हद तक चांसेस हैं कि यहां पर रेडमी 5 जो है उसको लॉन्च किया जाएगा और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी 18:9 एस्पेक्ट रेशियो की स्क्रीन। अब ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि नॉर्मली जब भी इंडिया के अंदर कोई मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो उसके 1 या 2 दिन बाद उसको पाकिस्तान के अंदर भी रिलीज कर दिया जाता है, तो काफी हद तक चांसेस है कि अगर 14 फरवरी को ये मोबाइल फोन इंडिया में आता है तो पाकिस्तान के अंदर भी आपको यही मोबाइल फोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इस मोबाइल फोन का जो नाम है वो काफी हद तक डिफरेंट हो सकता है।
और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ एक बेल का निशान आ रहा होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह।